नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली में मौजूद हैं और बाली पहुंचने पर पीएम मोदी की सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने प्यार से एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाइडेन और मोदी की मुलाकात की एक तस्वीर शेयर की है, जिसको लेकर अब देखने की बात को अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच दोस्ती कितनी गहरी है। और बाइडेन जब कभी भी पीएम मोदी से मिले हैं तब उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी देखने को मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कई मौकों पर अपने अंदाज इस बात को लेकर जाहिर कर चुके हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से कितने प्रभावित हैं। सोमवार को बाली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का पारंपरिक शैली में ही गर्मजोशी और रंगारंग तरीके से स्वागत किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पीएम ने जो बाइडेन के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो के से भी हाथ मिलाया है और उनका भी स्वागत किया गया है। और इससे पहले इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। बाली में G20 शिखर सम्मेलन की आज शुरुआत हो गई है और इसमें कई वैश्विक नेता शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में COVID-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अब 23 नवंबर से शुरू हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा पहले 20 नवंबर को राज्य में शुरू होने वाली थी। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 21 और 22 नवंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे और इसके साथ ही इस वजह से यात्रा के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। मिश्र ने यह भी बताया है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगी। यात्रा के ताजा शेड्यूल के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से राज्य में 20 नवंबर को प्रवेश करेगी और 2 दिन के ब्रेक के बाद खंडवा खरगोन होते हुए इंदौर उज्जैन और आगरा और की जाएगी। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को यात्रा MP से राजस्थान में प्रवेश कर पाएगी और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 2 सभाओं को भी संबोधित करेंगे और पहली सभा 27 नवंबर को बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में शाम के वक्त रखी जाएगी और सभा में संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद 28 और 29 नवंबर को यात्रा इंदौर में रहेगी। 1 दिसंबर को राहुल गांधी उज्जैन में एक सभा को संबोधित करेंगे और संभवत महाकाल के दर्शन भी करेंगे। श्रद्धा वर्कर मर्डर केस में उलझी कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस आज क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम आज आरोपी को लेकर क्राइम स्पॉट पर जाएगी और जहां आरोपी की निशानदेही पर साकेतिक तौर पर पूरी वारदात को दोहराया जाएगा, जिसमें झगड़ा शुरू होने से लेकर शव के टुकड़े करने और फिर उसे ठिकाने लगाने तक का घटनाक्रम शामिल है। क्राइम स्पॉट के बाद पुलिस टीम उस जंगल में भी जाएगी जहां आरोपी ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका है और पुलिस अब तक श्रद्धा के 12 से ज़्यादा टुकड़े बरामद कर चुकी है और पुलिस को आशंका है कि बाकी टुकड़े या उनके अवशेष जो है वो जंगल से मिल सकते हैं। और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक क्राइम सीन रिक्रिएट कर दौरान ही पूरा घटनाक्रम समझने के साथ ही पुलिस का मुख्य फोकस मिसिंग एविडेंस की तलाश करना भी होगा। इसके लिए पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी साथ लिया जाएगा और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड भी या फिर 1-2 टीमें मौजूद रहेंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चूंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश करना होगा। दरअसल इतने समय से शव के टुकड़ों के खुर्द बुर्द होने की आशंका प्रबल है और हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि इसकी हड्डियों के टुकड़े मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल परिसर में पूरी बाजू की टी शर्ट और
पतलून पहनने का भी निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संदर्भ में पत्र भेजा है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया के ही बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बचाव के सभी जरूरी उपाय किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा निर्देश के निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूलों में साफ सफाई कराई जाए और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी जल भराव ना होने पाए। और निर्देशक के पत्र में सभी प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को कहा गया है कि वो सभी छात्र छात्राओं को पूरी बांह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर आने का निर्देश दे। साथ ही प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना सभा में संचारी रोग और उससे होने वाली समस्याओं के संबंध में बच्चों को जागरूक भी करें। डॉक्टर महेंद्र देव ने पत्र में कहा है कि स्कूल परिसर में खुली हुई पानी की टंकियों की भी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और इसके अलावा भी कहीं भी जल भराव ना होने दिया जाए और साथ ही स्कूल में मौजूद हैंडपंप के पास नियमित साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। वहीं बच्चे पर नजर रखी जाए, अगर किसी को बुखार होता है तो तत्काल उसकी जाँच कराकर इलाज कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सहयोग लिया जा सकता है। कानपुर में दरोगा अनूप सिंह की मौत से सवालों की पोटली जो है वो पूरी तरह से उलझ गई है और इस घटना के जुड़े कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब सिर्फ अनूप सिंह ही दे सकते थे। इसमें लव ट्रायंगल और महिला सिपाही की भूमिका सबसे अहम है और पुलिस को इंतजार था कि अनूप सिंह स्वस्थ होकर अपने बयान कराएंगे, लेकिन उससे पहले सोमवार की सुबह उनकी मौत हो गई और इन अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कानपुर पुलिस ने विभागीय जाँच के आदेश किए हैं और इस जाँच के दौरान दरोगा अनूप सिंह की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। बता दें आपको कि कानपुर के ही विधुनु थाने से निलंबित दरोगा अनूप सिंह ने 5 दिन पहले कोई जहरी पदार्थ जो था वो खा लिया था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सोमवार की सुबह इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस मामले से मीडिया को दूर रखने के उद्देश्य से पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम कराया और वही परिजनों ने भी तत्काल उनके पैतृक गाँव जालौन से जाकर ही अंतिम संस्कार करा दिया और अब इस मामले में ना तो पुलिस अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है और ना ही अनूप के परिजन। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने ये दिखा दिया कि वो समाजवादी पार्टी नहीं परिवारवादी पार्टी है, फिर से लोकसभा में अपने परिवार के व्यक्ति को उतारा है, पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के साथ जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जो रिजल्ट रहा है वही नतीजा मैनपुरी में भी रहेगा और वही अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने भी अभी तक अपना प्रत्याशी न उतारने पर कहा कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि मैनपुरी को तरक्की की तरफ ले जाने की नीयत से और वहां जीत हासिल करके मैनपुरी को भी तरक्की की तरफ बढ़ाने का काम करेंगे। वही मंत्री ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे पर कहा कि सर्वे का सबने सहयोग किया है और इस सर्वे के माध्यम से योगी सरकार मदरसा शिक्षा और बेहतर बनाने का काम करेगी। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के उपचुनाव में अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सेठ मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के बतौर प्रत्याशी मैनपुरी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव और यादव परिवार के साथ नामांकन पत्र भर दिया है। फिलहाल अभी तक डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का कहना है कि जो भी तय होगा सब मिलकर तय करेंगे, तय करेगा और हम सब मिलके अपने मैनपुरी के तरक्की की तरफ आगे ले जाने की नियत से वहां जीत हासिल करके मैनपुरी को भी तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मदरसों का कोई जांच नहीं हो रहा था, मदरसों का सर्वे हो रहा था। पूरे प्रदेश भर में हर जगह से इस सर्वे का सबने सहयोग दिया और इस सर्वे के माध्यम से आगे योगी सरकार मदरसा शिक्षा को और बेहतर बनाने का काम करेगी। फतेहपुर में
दबंगों के द्वारा चुनाव रंजिश को लेकर महिला ग्राम को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जा रही, और धमकी के बाद पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने के बाद पीड़ित महिला ग्राम प्रधान पूरे परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर गेट पर भूख हड़ताल पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे महिला ग्राम प्रधान परिवार के साथ धरना दे रही है। ग्राम प्रधान सुनैना देवी ने बताया है कि आयाश शाह विधानसभा क्षेत्र के ही चुरियानी से प्रधान है, और बगल का गांव शामियाना गांव के कुछ दबंगों के द्वारा प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश में आए दिन गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है, और जिसकी शिकायत थाना पुलिस में करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पे हेदमुन्ना सिंह गाली गलौज दी की है, और उनके साथ बलबीर सिंह भी थे, वो भी गाली दिए, और सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मांगते हैं। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से संवाददाता बबलू सिंह जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, जिस तरह से बताया जा रहा है कि महिला को धमकी दी गई है। जी सुमन जी, मैं बता दूं कि फतेहपुर जिले के चुरियानी गांव का यह पूरा मामला है, जहां वर्तमान प्रधान सुनैना देवी के पति को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। ये 8 तारीख को भी इनके साथ गाली गलौज हुई थी, और ये कल उद्घाटन के समय इनके आरसीसी रोड का उद्घाटन कर रहे थे, जहां वर्तमान विधायक विकास गुप्ता और अन्य साथी के उनके मौजूद थे, वहीं पर ही इनके साथ गाली गलौज का वर्तमान प्रधान पति ने आरोप लगाया। वीरेंद्र सिंहरे हैं, और इनका कहना है जिस तरह से बताया जा रहा है कि धमकी दी जा रही है लगातार, क्या कारण है ये धमकी देने का? जी, ये प्रधान के कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश की वजह से है, और ये प्रधान ने आरोप लगाया है कि इनसे रंजिशदारी मांगी जा रही है, इस पर न देने पर इन्होंने आरोप लगाया है। इसकी शिकायत कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक तक की गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये कल भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, जहां पर पुलिस अधीक्षक उठ करके आए अपने कार्यालय से और इनको आश्वासन दिया कि जांच के आदेश के अनुसार हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे, ये इतना भरोसा इन्होंने दिया था। जी, बबलू सिंह जी, ये जो भूख हड़ताल है, कब तक जारी रहने का जो इसमें डिमांड की जा रही है? जी, ये पुलिस अधीक्षक आए थे, और इन्होंने, राजेश कुमार ने बताया है कि ये पूरा मामला संज्ञान में लेकर जांच के आधार से कार्रवाई की जाएगी, और वर्तमान प्रधान पति वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि मेरी सुरक्षा के लिए गार्ड ऑनर दिए जाए, ऐसा इन्होंने बताया है। जी बबलू सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। फिरोजाबाद में फास्ट टैग कर्मचारी को लूट भाग रहे बाइक सवार दो लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से लूटे हुए रुपए और मोबाइल के साथ लूट में प्रयोग की गई बाइक भी बरामद कर ली है, जबकि एक अन्य लुटेरा मौके से भागने में सफल रहा, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, और इसके साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास जो मौजूद सामान था वो भी बरामद किया है, जो लूट में ये आरोपी दोनों बदमाश इस्तेमाल किया करते थे, और इसके साथ ही आपको बता दें कि दो लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना टुंडला क्षेत्र में कल चेकिंग के दरमियान टुंडला पुलिस ने दो बदमाश पकड़े हैं, दीपू कुमार और सत्यवीर नाम के, दोनों सातिर किस्म के लुटेरे हैं। उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन एवं मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनका एक साथी मौके से भाग गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और इनको जो है जेल भेजा जा रहा है। तो ये लूट की घटना सामने आई है फिरोजाबाद से। वहीं फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता किशन चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन चंद्र, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला क्या है? ये मैं बताना चाहूंगा, ये रविवार की शाम की घटना है, जब फास्टैग कर्मचारी टोल टैक्स पर कुछ कार करके जा रहा था, तभी बाइक सवार तीन लुटेरे थे, जो कि क्या नाम है, इन्होंने तमंचे के बल पर
और उससे क्या नाम है एक मोबाइल और जो कैश था वो लूट लिया था। और इस जिसके बाद जब वो वहां से फरार हो रहे थे तभी उसने शोर मचा दिया था, तो हड़बड़ाकर जो जो लुटेरे थे उनकी बाइक फिसल गई थी, जिसमें ये गंभीर रूप से दो लोग घायल हो गए थे और जो वहां पर फास्टैग कर्मचारी थे उन लोगों ने इनको पकड़ लिया था। तभी इसकी सूचना पुलिस को मिली, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको सौंप दिया था, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। जी जी किशन जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आरोपी फरार भी बताया जा रहा है, क्या ये पूरा गिरोह है जो ऐसे लूट की वारदात को अंजाम दिया करता है? ये मैं बताना चाहूंगा, जो भी लूट का सामान था वो फरार मुजरिम के पास ही बताया जा रहा है। इनसे केवल एक मोबाइल बरामद हुआ है और जो कि बाइक जो कि फिसल गई थी उस समय घटना स्थल पर बाइक भी पुलिस ने बरामद कर दी है। तो मोबाइल और बाइक तो कुछ कैश भी बरामद हुआ है, लेकिन जो आगे का जो आगे जो जो इसका फरार मुजरिम जब पकड़ा जाएगा तभी ये पूरी बात का खुलासा हो सकेगा, आखिर कितना कैश लूटा गया था और कितना को था। उसके लिए पुलिस लगातार उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आया है। जी किशन जी, जो फास्ट टैग कर्मचारी है उसको गंभीर चोटें भी आई हैं या फिर उसको कोई जख्मी भी किया गया है? जो बताना चाहूंगा वो उसको कोई चोट नहीं आई है, क्योंकि ये तीन लोग थे, उसने डरती हुए थे जो इन्होंने तमंचा या कुछ भी अपना दिखाया, उसके उसने जो भी था उसको इनको हवाले कर दिया। उसके बाद जब ये लुटेरे वहां से भागने को हुए तभी उसने शोर मचा दिया, तभी कुछ फास्ट टैग कर्मचारी आगे कुछ अन्य लोग मौजूद थे जिन्होंने घेराबंदी की, तो हड़बड़ाकर इनकी बाइक फिसल गई, जिसमें ये दोनों लुटेरे जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था जहां इनका उपचार चला था, उसके बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करके इनको जेल भेजा। जी किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी एमपी और एमएलए कोर्ट में ही पेश हुए हैं। आपको बता दें कि 21 साल पूर्व तहसील कर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ के मामले में सांसद अफजाल अंसारी अदालत में पेश हुए हैं। अफजाल अंसारी समेत 9 लोगों पर इस मामले में केस चल रहा है, मामला ट्रायल में अभी बताया जा रहा है, और इस मामले में गवाहों की गवाही हुई है। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 21 नवम्बर की तय कर दी है। धरना प्रदर्शन 2001 में जब उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान था सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, उस समय 2001 में मोहम्मदाबाद तहसील पे भी धरना प्रदर्शन हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रदर्शनकारियों पर उपद्रव करने का आरोप लगा के एक मुकदमा कायम किया गया। राजकुमार अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन जनपद रामपुर में आगामी विधानसभा उपचुनाव 2022 और नगर निकाय चुनाव 2022 को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए की गई तैयारियों और अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक और रामपुर के अधिकारी गण और इसके साथ ही आपको बता दें कि थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर सभी क्षेत्र अधिकारी थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मतदान केंद्रों का भौतिक रूप से भ्रमण कर लें। आज रामपुर शहर में सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की गई है। मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत हो, और आने वाले दिनों में रामपुर में चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के भी हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सुनिश्चित करा रहे हैं। जो भी आपराधिक तत्व असामाजिक तत्व हैं उनमें पुलिस का भय व्याप्त हो, पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। बलरामपुर में बाल विकास और पोषाहार विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इसको लेकर ग्रामीणों ने वीडियो वायरल करके ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़ भी कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कर्मी
कुपोषित बच्चों को बांटने वाले खाद्य पदार्थों और तेल की कालाबाजारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुपोषित बच्चों को बांटने वाले खाद्य पदार्थों और तेलों को एक कर्मी बेचने का जा रहा था, जिसको ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। साथ ही ग्रामीणों ने ICDS विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जाँच की मांग की है। तो आपको बता दें, बलरामपुर से खबर है जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने वायरल वीडियो भी कर दिया है। जानकारी है कि बलरामपुर में बाल विकास और पोषाहार विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप है। आपको बता दें कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वीडियो भी वायरल कर दिया है। आपको बता दें कि ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़ किया गया है और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कर्मी कुपोषित बच्चों को बांटने के खाद्य पदार्थों और तेल की कालाबाजारी कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बलरामपुर से संवाददाता योगेंद्र विश्वनाथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जिस तरह से मामला सामने आया भ्रष्टाचार का, पूरा मामला क्या है? दरअसल देखिए, ICDS जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है, इस पर जो है ये जिम्मेदारी है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनके यहाँ भरण पोषण की तमाम तरह की समस्याएं हैं, उनको सरकार ये चीजें मुहैया करवाती है। जैसे जो खाद्य तेल हो गए, इसमें सोयाबीन का तेल है, प्लस जो है दालें हो गई और चावल हो गए, फोर्टिफाइड चावल दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है मुहैया करवाई जाती है। इसके वितरण की जो जिम्मेदारी होती है वो आशा कार्यकर्ती और जो सुपरवाइजर्स होते हैं ICDS विभाग के, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब ये करते क्या है कि ये उन तमाम चीजों को जो है गोदामों से तो उठवा लेते हैं ICDS के, फिर उन्हें जो है ये मार्केट में लाकर बेच देते हैं। तो कल देर रात लगभग 8-8:30 बजे के आसपास लाल नगर के कुछ ग्रामीणों ने उनके यहाँ बटने वाले पुष्टाहार को जब बेचने के लिए उनकी यहाँ की कार्यकर्ती ले जा रही थी, तो उन्होंने हरिया चौराहे में तुलसीपुर के पास जो है उन्हें पकड़ लिया और काफी देर तक हंगामा चल रहा, कोई अधिकारी नहीं आया। अंततः वहां पर जो सुपरवाइजर थी वो आई और उन्होंने जो है ये तस्दीक की कि जो है ये बाल विकास प्रोत्साहन विभाग का ही राशन है, तेल है, और फिर इस उन्होंने अपनी सुपुर्दगी में से लिया है। मेरी अभी निहारिका विश्वकर्मा जो कि DPO है, जिला कार्यक्रम अधिकारी है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो है इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में है, मुझे ये पता है कि जो है इस तरह की चीजें हो रही है और मैं जाँच करवा रही हूँ इस मामले पर भी, और जो भी होता है मैं उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लूंगी। जी योगेंद्र, बहुत गंभीर मामला सामने आया है क्योंकि बच्चों के साथ स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, ये दरअसल होता यही है कि जो है बच्चों, अब बलरामपुर जैसे जिले में जो कि अति पिछड़ा जिला है, नीति आयोग के तहत आने वाला एक महत्वाकांक्षी जिला माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी गंभीर तो है ही। यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह की योजनाएं विशेष तौर पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उन्हें भी रन करने की जिम्मेदारी जो प्रथम पंक्ति के अधिकारी हैं या कर्मी हैं उनके ऊपर होती है। तो उन कर्मियों द्वारा जब इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं गलत होता है। जो बच्चे यहाँ पर हैं वो सालाना के दर से अगर देखा जाए तो काफी कुपोषित बच्चे निकलते हैं, जिनमें सैम और मैम श्रेणी के बच्चे निकलते हैं, जो कि बहुत ही खराब आंकड़ा माना जाता है। और बताया जाता है कि बलरामपुर जो जिला है तो वो जो है लगातार ICDS के जरिए जो आंकड़े भेजे जाते हैं उसमें पूरे भारत के आंकड़े को खराब करने का काम करता है। होता इसलिए ऐसा है क्योंकि जो चीजें, जो राशन और जो सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, बच्चों को बिल्कुल, योगेंद्र, जो सरकार की तरफ से बच्चों के लिए सुविधाएं दी जा रही थी वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है और बच्चे जो कुपोषण का इसी करके शिकार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। अमेठी में उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी ने थाने में आए आरोपियों को तालिबानी सजा सुना दी है और उप जिलाधिकारी ने शांति भंग करने वाले आरोपियों को कान पकड़कर उठक बैठक कराया है, जिसके बाद आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि कानून को ताक पर रखकर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को तालिबानी सजा दी गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वहीं जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उरई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। तो आपको बता दें कि जालौन से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर साफ तौर पर देखने को मिला है और इसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही एक की मौत भी बताई जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भारत के उत्तरी इलाकों में सर्दी दस्तक दे रही है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरिद्वार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। चेन्नई, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण तमिलनाडु में 15 से लेकर 17 नवंबर तक भारी बारिश होगी और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में यहां गरज और बिजली का गरजने के साथ ही अनुमान जता दिया है। पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा में भी छिटपुट हल्की बारिश संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में ही न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान मध्य भारत के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। प्रदूषण की मार झेल रही देश की राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि AQI खराब श्रेणी में ही रहा है, वहीं NCR क्षेत्र में नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब और गुरुग्राम में मध्य श्रेणी में दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार सुबह औसत आयु गुणवत्ता सूचकांक 221 दर्ज किया गया है, वहीं नोएडा का 302 और गुरुग्राम का AQI 162 रहा है। दरअसल 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा और 51 से ही 100 के बीच संतोषजनक और 101 और 200 के बीच मध्य और 201 और 300 के बीच खराब और 301 और 400 के बीच बहुत खराब और इसके साथ ही 401 और 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे फेज के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दे दिया। अब दिल्ली NCR में ग्रैप के फेज 1 और फेज 2 के तहत ही नियम लागू रहेंगे। हालांकि NCR में सभी संबंधित एजेंसियां AQI की निगरानी करेंगी और समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी और इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि AQI का स्तर आगे गंभीर श्रेणी में न आ जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।